तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको हाथी के बच्चे से। ये है स्वराज का 969 FE CRDI इंजन के साथ। आवाज़ देखो भाई, क्या शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की। आ हाँ, मज़ा आ गया है ना। ये भाई, इसमें टायर आगे के लगे 750 के और पीछे लगे हैं 16 के टायर। और ये चल रहा है भाई NJT की थ्रेसर पे। गांव का पहला ट्रैक्टर है भाई 969। ये देखो आवाज़, देखो आवाज़ भाई इतनी शानदार, बिल्कुल आवाज़। ये देखो टर्बो चार्ज इंजन है इसमें, इसलिए इसकी आवाज़ बहुत कम है भाई। ये देखो ट्रैक्टर से ज़्यादा आवाज़ थ्रेसर की आ रही है, और ये NJT की थ्रेसर है भाई। इस थ्रेसर पे इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। देखिए ट्रैक्टर को, मतलब बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा। और अभी गेहूँ निकाले जा रहे हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर चला के इसकी RPM पर आ रहा है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और ये है ट्रैक्टर ओनर, जो कि चौकड़ी वाली तौलिया में खड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि ट्रैक्टर भाई डीजल लेता है ये 5 लीटर और 6 लीटर एक घंटे में NJT की थ्रेसर पे। और इसमें मोड भी आते हैं दोस्तों, 3-4 मोड है इसमें, 3 मोड है। ये देखिए इसमें इको मोड है, और कौन सा मोड है यार, इको मोड है, पावर मोड है, और एक है हॉलेज मोड। हॉलेज मोड ऐसा कुछ मोड आता है इसमें। 5-स्टार रेटिंग है भाई सिंस 1974। देखो ये देखो भाई, इसमें सेपरेट पंप है भाई लिफ्ट के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए। पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर आता है, अब तो आता ही है, सभी ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग में आ रहे हैं। शानदार खूबसूरती देखो, सामने लाइट है भाई, 2 हेलोजन, मस्त बॉडी है। ये देखो भाई हाथी का बच्चा, और इसका प्लेटफार्म देख लो भाई, प्लेटफार्म देखो भाई कितना लंबा चौड़ा। आदमी बिस्तर करके सो जाए, नहीं बिस्तर करके नहीं सोएगा, लेकिन ठीक ठाक है, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीट को काफ़ी पीछे किया जा सकता है, लेकिन पटेल साहब ने अभी सीट को जो है आगे कर रखा, क्योंकि पटेल साहब की हाइट जो है लिमिटेड है। ठीक है, तो ये देखो प्लेटफॉर्म, ये है क्लेज और वो है ब्रेक, ऑयल ब्रेक के साथ आता है ओरा रेस। और यहाँ पर ये देखो आपके हाई लो मीडियम गियर इधर है आपको, ये देखो हाई लो मीडियम मिल जाता है ये गियर, और उधर मिल जाते हैं आपको मेन गियर लीवर। ठीक है, और ये PTO लीवर हो गया अपना, है ना, उधर ऑफ हो जाता है, इधर ऑन हो गया, और एक PTO लीवर हो रहा भाई वहाँ पे। ठीक है, तो डबल PTO लीवर के साथ आता है ये देखो, एक PTO लीवर ये रहा भाई, ये 540 और 540E इकोनॉमी, मतलब 2 टाइप की स्पीड देता है ये, काफ़ी शानदार है। ये देखो गेहूँ निकाल रहे हैं अभी हम इससे, तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर चल ही नहीं रहा, ट्रैक्टर बिल्कुल साइलेंट मोड पे। और यहाँ आप देखोगे तो भाई ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है भाई, 70 HP के आसपास का ट्रैक्टर है, बाकी 65 HP जो है कंपनी बोलती है इसको। और इनलाइन पंप है इसमें, बॉस कंपनी का पंप लगा, ये देखो बॉस कंपनी का पंप लगा हुआ है। और भाई ये देखो 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, स्वराज का पहला 2 सिलेंडर ट्रैक्टर भाई 70 HP का। ये देखो, और मैं बता दूँ आपको एक्चुअल में इसमें लिखा है इंजन टाइप 3 सिलेंडर और GTIC। ठीक है, और भाई इसका इंजन रेटेड पावर इसकी देख लो 49.2 किलोवाट की 2000 इंजन रेटेड RPM पर देगा ये। ठीक है, और पावर कैटेगरी देख लो आप इसकी। ठीक है, तो बहुत शानदार है भाई, एक्चुअल में ये CRDI इंजन के साथ आता है, तो यहाँ पर इसकी 2 नोजल होती है और ऊपर जाके 5 नोजल हो रहे हैं इसके अंदर, जो है 5 नोजल है भाई। तो ड्राई टाइप का एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार होता है दोस्तों। ये देखिए, और काफ़ी शानदार भाई गेहूँ देखो, ये 37-40 गेहूँ है भाई।
और ये अभी थ्रेसल चल रही है यहाँ पे। नहीं पटेल साहब ये बताइए, पटेल साहब अपनी वीडियो नहीं बनवाना चाहते, इसलिए कोई बात नहीं, उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे हम। और ये देखो पटेल साहब का कहना है कि हमारा ट्रैक्टर जो है एक घंटे में कितना डीजल खाता है पटेल साहब? 5 और 6 लीटर। एक बताओ 5 लीटर 6 लीटर 5 लीटर खावे एक घंटा में? ये थ्रेसर पे है नहीं, और रोटावेटर पे चलाए नहीं है सर? समथिंग 5 ही खाओ वो रोटावेटर पे, तो 5 लीटर ही रोटावेटर का बता रहे हैं भाई साहब। और कैसा महसूस कर रहे हैं इस ट्रैक्टर को लेने के बाद? हैं, लगता है हाथी का बच्चा पाला है। तो पटेल साहब ने हाथी का बच्चा पाल लिया भाई साहब। ये देखो ट्रैक्टर 969 FE, जिगर वाले लोग ले सकते हैं इस ट्रैक्टर को भाई साहब। एरे गेरे की बस की नहीं है, बुरा मत मानना पब्लिक, मैं सिर्फ ऐसे ही मजे के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी ले सकता है भाई, जिसके पास पैसा है वो ट्रैक्टर ले सकता है, बता रहा हूँ सिर्फ मैं। इसको मतलब पालना छोटी बात नहीं है। और हमारा ट्रैक्टर देख लो भाई, बहुत शानदार ट्रैक्टर है, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर जो कि अंदर है, आप इसमें जो ऑल ओवर टाइप का एयर क्लीनर भी लगा सकते हो। बॉडी के ऊपर देखो पहले से ही जगह दे रखी है इससे, यानी इसको आप बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हो। ये देखो ये जगह है इसमें। और भाई ये हीटिंग इसको ना लगे, इसके लिए इधर हीटिंग गार्ड दे दिया, ठीक है। स्वराज की खासियत रही है हीटिंग गार्ड यहाँ पर तो दे दिया, लेकिन भाई ये भी गर्म हो रहा है, ठीक है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, लगा दिए जबरन में। और इस साइड तो ठीक है भाई, गर्म नहीं होगा, साइलेंसर पे ये स्टिकर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो ट्रैक्टर आते थे भाई उनमें स्टिकर आते थे लोहे के एल्युमिनियम प्लेट वाले, तो उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो ट्रैक्टर है ना उनमें स्टिकर भाई पैसा बचाने के चक्कर में या किस चक्कर में बना दिए इस टाइप के स्टिकर दे रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन स्टिकरों को भी कुछ नहीं होता। 750 के टायर आपको आगे मिल जाते हैं और 1628 के पीछे हैं, ठीक है। MRF के टायर हैं दोनों ही, बहुत बढ़िया। बैटरी बॉक्स साइड माउंट रहता है और ऑयल ब्रेक मिल जाते हैं भाई, और साइड शिफ्ट गेयर बॉक्स के साथ आता है भाई। ये देखो इसमें हाई लो मीडियम हो गया, और इधर आपका मेन गियर लीवर हो गया, यानी आप इसमें कह सकते हैं 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि काफ़ी शानदार है भाई, काफ़ी शानदार। ये देखो एडजस्टेबल सीट होती है इसमें, और इंडिकेटर देख लो आप भाई, इंडिकेटर भी काफ़ी शानदार, नई डिज़ाइन नई लुक के साथ बना दिए हैं इसके इंडिकेटर। और बाकी जो 963 आता है ना, 963 ट्रैक्टर उसी की तरह ट्रैक्टर है बिल्कुल, मोनट सब ठीक है, सेम टू सेम ट्रैक्टर है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ आता है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इसमें। और दोस्तों इसमें फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, जिसको चौड़ा और सकरा दोनों टाइप का किया जा सकता है, यानी इसको हम सकरा भी कर सकते हैं और चाहें तो चौड़ा भी कर सकते हैं, यानी भाई इसमें फ्रंट एक्सल जो है काफ़ी बढ़िया आपको एडजस्ट मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया जो है फ्रंट एक्सल मिल जाता है। और यहाँ पर आप डोजर वगैरह लगा सकते हो आगे, तो यहाँ के लिए स्पेशली बोल्ट दिए गए हैं, तो यहाँ आप अपनी डोजर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ वाटर सेपरेटर भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है। और भी कई सारे फीचर हैं भाई, हाई लो मीडियम मिल जाता है आपको, मल्टी PTO स्पीड मिल जाती है आपको इसमें, और आपको इसमें दोस्तों पावर मोड, इको मोड, और आपको हैलोज को जैसा मोड है एक और, तो वो मोड भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। काफ़ी मजबूत काफ़ी हैवी ट्रैक्टर है भाई, और ये देख लो कि मतलब ट्रैक्टर बिल्कुल साइलेंट है, टर्बो इंजन के साथ है, इसलिए साइलेंट ट्रैक्टर दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो दोस्तों। तो ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से निकाल रहा है ये गेहूँ को, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये देखो